हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज का वीडियो है बॉटल गर्ड का हलवा। इसके लिए एक बॉटल गर्ड लेके अच्छे से क्लीन करके, पील करके, सीड्स निकाल के हम इसको ग्रेट करना है इस तरह। देखिए, अब मैं कर रही हूँ वैसा। अब चाहे तो हैंड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये प्रीति मिक्सर ग्राइंडर से ग्रेट करती हूँ। ये बहुत ईजी एंड सिंपल, 2 मिनट्स में अच्छे से ग्रेट हो जाएगा। इसके सीड्स निकाल देना है एंड इसका पील करके अच्छे से इस तरह ग्रेट कर लेना है। देखिए, अब हम एक वेजल लेके इसमें इस ग्रेटर को, जो बॉटल गर्ड को ग्रेट करे थे ना, वो सब एक वेजल में ऐड करके इसको अच्छे से पकाना है। वाटर नहीं ऐड करना, क्योंकि ऑलरेडी वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा रहता ना। देखिए, इसको बीच में हमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से सॉफ्ट से पका लेंगे 15 टू 20 मिनट्स के बाद। देखिए, इस तरह ये अच्छे से पक गया है। 15 टू 20 मिनट्स टाइम लगेगा पकने के लिए, मीडियम फ्लेम में पका लेना। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे, जो वाटर है अच्छे से ड्रेन कर देंगे। बहुत हॉट है, देख के करना। थोड़ा कूल होने के बाद इस तरह का स्ट्रेनर लेने से आपको इजी रहेगा एंड जल्दी से ये ठंडा होगा। देखिए, वाटर से कलेक्ट कर लेना। अब बाय हैंड से हम, ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, अच्छे से वाटर सब इस तरह ड्रेन कर देंगे। देखिए, ये तो बहुत ड्राई है, आप देख सकते हो। देखिए कितना वाटर आया है, इसका तो हमको कोई यूज़ नहीं है, ये फेंक सकते हो। अब इसी वेजल में हम 4 स्पून घी ऐड करेंगे। अब चाहे तो 1/2 कप भी ऐड कर सकते हो। जितना ज़्यादा घी ऐड करोगे उतना टेस्ट रहेगा। अब हम आमंड्स एंड काजू पीसेस करके अच्छे से रोस्ट करेंगे। देखिए, अब हम इस उबले हुए बॉटल गर्ड को अच्छे से घी में फ्राई करना है लगभग 15 टू 20 मिनट्स तक। इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, जब ये टेस्टी रहेगा, अदरवाइज इसका रॉ स्मेल है ना, वो रहेगा। देखिए, मीडियम फ्लेम में अच्छे से इसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना, अच्छे से फ्राई कर लेना। अच्छे से ड्राई हो गया, लाइट रेडिश कलर आया था ना। अब हम इसमें 300 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। शुगर आपका मर्जी, आप चाहे तो स्वीट ज़्यादा खाते हो तो 100 ग्राम्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, 400 ग्राम्स लाइक दैट। अदरवाइज 300 ग्राम्स, 200 ग्राम्स आप टेस्ट करके देख सकते हो। मिडिल में भी ऐड कर सकते हो शुगर, मैंने 300 ग्राम शुगर ऐड करी थी। अच्छे से कंटिन्यूसली इसको इस तरह पका लेंगे। देखिए, पकने के बाद इस तरह
शुगर तो मेल्ट हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची, इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली ऐड करी थी इलायची। इसको जितना पकाओगे उतना टेस्ट रहेगा। अब हम फाइनल में हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे। अब चाहे तो खोवा भी ऐड कर सकते हो, मिल्क ऐड करोगे तो वो खोवा भी हो जाएगा। ये फुल क्रीम मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क से टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। अब हम अच्छे से 5 to 10 मिनट्स इसको पका लेंगे। देखिए ये तो पक चुका है, अब हम इसको सर्विंग बाउल में लेके सर्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल एंड इजी हलवा है, लौकी का हलवा। देखिए अब हम इस हलवे को ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। देखिए कितना टेस्टी एंड कलरफुल है, बहुत अच्छा कलर है। थैंक यू वॉचिंग माई